ऑन करते हैं जब हमें सिंपल मैसिलेशन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की रिमेनिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव नहीं कर सकते, तो हम मल्टीपल मैसिलेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन उससे ऑब्टेन कर सकें। मल्टीपल मैसिलेशन प्रोसेस की दो टाइप्स हैं, डबल मैसिलेशन, ट्रिपल मैसिलेशन। डबल मैसिलेशन प्रोसेस, ड्रग इज मैसिलेटेड ट्वाइस विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ मेस्ट्रम। मेस्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय सेम वॉल्यूम। डबल मैसिलेशन में हम मेस्ट्रम को सेम वॉल्यूम में इक्वली तकसीम करते हैं और ड्रग को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसकी कुछ मिसालें ये हैं, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, कंसनट्रेटेड कंपाउंड ऑफ जरायता, कंसनट्रेटेड कंपाउंड ऑफ जिंजर। ये उनकी तस्वीरें, जो फर्स्ट वन है ये चरायता की है, हर्ब्स की है, और जो थर्ड वन है वो जेंशन की हर्ब्स की, दरमियान है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज। प्रोसीजर, सबसे पहले हम इसमें ड्रग को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको एक पाउच में लपेट लेते हैं। जब सूटेबल मेस्ट्रम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ए और बी। फिर हम उसको ड्रग को बीकर में प्लेस करते हैं और मेस्ट्रम में जो है वो ऐड कर देते हैं और 48 आवर्स के लिए मैसिलेट करते हैं। फिर उसको शेक करके फिल्टर करते हैं और मार्क को प्रेस करते हैं। फिर हम मार्क को मेस्ट्रम बी में ऐड कर देते हैं और दोबारा से 24 आवर्स के लिए उसे मैसिलेट करते हैं और फिर से हम उसके लिक्विड को फिल्टर करते हैं और मार्क को प्रेस करते हैं। एंड रिजल्ट में जो हमारे पास मेस्ट्रम ए और बी मिक्स हम करते हैं दोनों को और उसको स्टैंड पे रख देते हैं 14 डेज के लिए और फिर फिल्टर करते हैं। इस तरह उसके वॉल्यूम को हम एडजस्ट करके डिजायरेबल प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। सेकेंडली, ट्रिपल मैसिलेशन प्रोसेस। ड्रग इज मैसिलेटेड ट्वाइस विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ सेम वॉल्यूम। ट्रिपल मैसिलेशन में हम ड्रग को तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और मेंस्ट्रम को इक्वली तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं विद सेम वॉल्यूम। और इसकी कुछ मिसालें ये हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सीना, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ कुसिया अमारा। ये वो हर्बल्स हैं जो इन जो हम ट्रिपल मैसिलेशन के तरीके से हासिल करते हैं, जिसमें सीना हर्बल सप्लीमेंट और कुसिया अमारा हर्बल सप्लीमेंट। प्रोसीजर, इसमें भी हम पहले ड्रग की सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एक पाउच में लपेट लेते हैं। सूटेबल मेंस्ट्रम जो है उसके हम तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ए बी और सी में। उसके बाद ड्रग को हम प्लेस करते हैं बीकर में, मेंस्ट्रम ए ऐड कर देते हैं लेकिन एक घंटे के लिए हम उसे मैसिलेट करते हैं, फिर उसको शेक करके फिल्टर कर लेते हैं। दोबारा से हम जो हमें मिलता है लिक्विड फ्लूड मिलता है वो हम मेंस्ट्रम बी में डाल देते हैं एक घंटे के लिए और उसे शेक करके फिल्टर कर लेते हैं। फिर से जो हमें इस मैसिलेशन से मिलता है सॉल्यूट को हम मेंस्ट्रम सी में डाल देते हैं एक घंटे के लिए और उसे मैसिलेट करते हैं, फिर शेक करके फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्क को प्रेस करते हैं। मार्क को प्रेस करने के बाद फिर हम बी और सी मेंस्ट्रम का जो लिक्विड हमें हासिल हुआ है उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, फिर हम उसे हीट करते हैं और वेपोरेट करके हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑब्टेन कर लेते हैं। जब फिर इस वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम जो ऑब्टेंड हो गया, हम इसको मेस्ट्रम ए में ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और हमने प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाता है। इसका वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए हम 1/4 पार्ट ऑफ अल्कोहल जो है वो भी ऐड करते हैं ताकि हमें जो है सूटेबल प्रोडक्ट मिल सके। और एंड रिजल्ट में हम इसे 14 डेज के लिए स्टैंड पर रख देते हैं और फिर फिल्टर करते हैं और इस तरह हमें जो है अपना प्रोडक्ट हासिल हो जाता है।